अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिरोही नगर कार्यकारिणी द्वारा सिरोही के समस्त महाविद्यालय के विद्यार्थियों एवं विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए लॉकडाउन में चित्रकला प्रतियोगिता को आरंभ किया है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद ने सिरोही के सभी विद्यार्थियों को इस चित्रकला प्रतियोगिता में अधिक से अधिक भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया है। एवीपीपी के नगर उपाध्यक्ष जयेश कुमार सोलंकी ने बताया कि यहां प्रतियोगिता दो भागों में संपन्न होगी। प्रथम भाग कक्षा प्रथम से दसवीं तक एवं द्वितीय भाग कक्षा ग्यारहवीं से ग्रेजुएशन तक। उपाध्यक्ष सोलंकी ने यह भी बताया कि प्रतियोगिता 10 मई 2020 को प्रारंभ की गई थी, जिसमें सिरोही के समस्त विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब यहाँ प्रतियोगिता 15 मई को रात्रि 12 बजे तक चलेगी, जिसमें सिरोही के सभी चित्रकला के अंतर्गत प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखार के दिनांक 17 मई 2020 को एवीपीपी के आधिकारिक पेज पर सायंकाल 5 बजे इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत सिरोही नगर की सहमंत्री नेहा चौहान ने भी इस प्रतियोगिता के बारे में विद्यार्थियों से अपनी बातें रखी एवं यह भी बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घर बैठे विद्यार्थियों के लिए हर समय ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन अब निरंतर प्रारंभ रखेंगी। नेहा चौहान ने चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में भी सभी विद्यार्थियों को अवगत कराया। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में विद्यार्थी परिषद के नगर सहमंत्री गिरीश सोलंकी, नगर मंत्री कल्पेश दास एवं प्रद्युमन सिहा गड़िया एवं सुभाष माली, गिरजा सोलंकी, विनोद देवड़ा, दामिनी पटेल, कोमल माली, जयश्री राठौड़, भूपेंद्र प्रजापत, नरेश माली एवं सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज।